जाती है गाइज, जैसे कि हम 30, 40 या 50 की एज में आते हैं तो उस वक्त हम ऐसे प्रोडक्ट सर्च करते हैं जो कि हमारी स्किन को अपलिफ्ट कर दें, जो झुर्रियाँ आ रही हैं उनको हटा दें, स्किन को टाइट कर दें, स्किन को फर्म कर दें और हमारा ग्लो वापस ले आए। ऐसे में हम जब मार्केट में या फिर ऑनलाइन सर्च करते हैं तो इतने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं एंटी एजिंग के कि हम पहले तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा खरीदें, और इसके अलावा जब उनका प्राइस देखते हैं प्राइस इतना ज़्यादा होता है गाइस कि हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि ये तो बहुत महंगी है, हमारे पास जो है इतने पैसे नहीं है। और बहुत सारी लेडीज़ ना अपने ऊपर खर्च नहीं कर पाती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी घर की गृहस्थी में पड़कर वो ये सोचती रह जाती हैं कि भाई अगर इतना महंगा प्रोडक्ट हम खरीदेंगे तो इससे अच्छा है कि हम ये दूसरा काम अपने घर के लिए कर ले। तो आज का अपलिफ्टिंग मास्क आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ इसमें मैं आपको बता दूँ कि खर्चा कितना आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपका 10 रुपये खर्च होगा। जी हाँ गाइस, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये हम खर्च करेंगे और ये स्किन अपलिफ्टिंग मास्क हम बनाएंगे। इसको तैयार करने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, वो भी आपको 10 रुपये की मिल जाएगी, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ज़्यादा अमेजिंग है, अगर आपकी एज 30 हो चुकी है या 50+ भी आप हो तो इस एंटी एजिंग मास्क को आप आज से ट्राई कीजिए गाइस और गजब की रिजल्ट इसके पाइए। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो महिलाएं इस वक्त अपने फेस की रिंकल्स, फाइन लाइन, झुर्रियों से बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनकी स्किन के ऊपर दाग धब्बे दिख रहे हैं, स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन है या स्किन सैग हो रही है, ढीली हो रही है और वो अपना ग्लो खो बैठी हैं, तो उनके लिए आज का वीडियो बहुत बहुत अमेजिंग है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आज मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम निगार है और यहाँ पे मैं खूबसूरत रेमेडी और कंटेंट आपके साथ शेयर करती हूँ, साथ ही साथ वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ एक इतना खूबसूरत मास्क जो कि आपकी स्किन को टाइट और फर्म करने वाला है। तो इस एंटी एजिंग मास्क को बनाने के लिए गाइस हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको किचन के अंदर मिल जाएंगी, आपके घर में मिल जाएंगी, आपके पास जरूर होंगी, ठीक है। पहला इंग्रेडिएंट हम अपने किचन में जाएंगे और वहां से लेना है हमें आलू, ठीक है। रॉ पोटैटो हमें चाहिए, मीडियम साइज के 2 आलू आप ले लेना और आलू को अच्छी तरह से आपको धो लेना है, धोकर पील ऑफ कर लेना है। इसके मेडिकल फायदे भी मैं आपको बता दूं गाइस, आपकी स्किन को ये ब्लीच करने का काम करता है, आपके रंग को ये फेयर करने का काम करता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइट और टाइट भी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज के पोटैटो आपको ले लेना है, इनको वॉश कीजिए, वॉश करके आप इसका छिलका उतार दीजिए और छिलका उतारने के बाद आपको इसको कद्दूकश कर लेना है, ठीक है। कद्दूकश करने के बाद हम इसका जो हमारा लच्छे हैं आलू के, इनको हम निचोड़ कर इसका रस एक बाउल में निकाल लेंगे। आलू का रस हमारे चेहरे पे मैजिकल इफेक्ट लेकर आएगा गाइस, जब हम एज करते हैं, जब हमारी उम्र 30 होती है, 40 होती है, 50 की होती है, तो उस वक्त हमारी स्किन डल भी होती है, हमारा चेहरे का रंग जो है वो भी धीमा पड़ता है और हम अपनी जो पहले वाली स्किन की जो फेयरनेस होती है कहीं ना कहीं उसमें कमी महसूस करते हैं। तो आलू क्या काम करेगा, ये आपकी स्किन को फेयर करेगा, ब्लीच करेगा, स्किन को बहुत ही खूबसूरत निखार भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, ये हमें मिल गया है आलू का रस, 2 आलू का रस हमने लिया है, बट हमें यहाँ पे ये पूरा का पूरा रस नहीं लेना है गाइस, अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए यूं ही रख देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए इस रस को आपको यूं ही रख देना है। 10 मिनट बाद जब आप देखोगी तो आलू के ऊपर के जो रस का कलर होगा वो बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा या फिर रेड हो जाएगा, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको एक दूसरे बाउल में प्लेस कर देंगे। और यहाँ पे आप देखें, जब हम आलू के रस को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं तो उसके नीचे उसका स्टार्च बैठ जाता है, स्टार्च ही हमें चाहिए इस स्किन अपलिफ्टिंग मास्क को बनाने के लिए। ये स्टार्च आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है, आपकी स्किन को श्रिंक करता है, स्किन को टाइट करता है, स्किन को अपलिफ्ट करता है। तो इसी आलू के स्टार्च का हमें यूज करना है आज के इस स्किन अपलिफ्टिंग मास्क में गाइस। यहाँ पे ये स्टार्च हमने ले लिया है, ठीक है, पूरा का पूरा स्टार्च हम एक बार में यूज करने वाले हैं और इसमें पहला इंग्रेडिएंट जो हम अपना ऐड करेंगे वो है कॉफी पाउडर, जो आपकी स्किन को न्यूट्रिशन से भरती है, एजिंग के साइन को खत्म करती है, अगर महीन झुर्रियां, रिंकल्स, फाइन लाइंस हो रही हैं उनको खत्म करती है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी पाया जाता है जो कि हमारी स्किन के लिए बेहद कारगर साबित होता है। जी हाँ, कॉफी बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट देती है आपके चेहरे को टाइट करने में, ठीक है। 1 चम्मच हमें लेना है यहाँ पे कॉफी पाउडर। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए वो है एलोवेरा जेल। जी हाँ, मार्केट वाला हो या फिर आपके घर में लगा हो, जो सभी हो, आप तकरीबन 1/2 चम्मच इसमें एलोवेरा जेल की ऐड कर दोगी
और हम तीसरी चीज जो यहाँ पे ऐड करने वाले हैं गाइस वो है हनी यानी शहद। आधा चम्मच सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें हनी ऐड करना है जो कि हमारी स्किन को ड्राई नहीं होने देता है। अगर आपको स्किन की ड्राइनेस की शिकायत रहती है गाइस तो यकीनन आपके चेहरे पे झुर्रियां आना ही आना है, इसलिए कभी भी आपको अपनी स्किन को ड्राई नहीं छोड़ना है। और शहद क्या काम करता है, हमारी स्किन की नमी को वापस लेकर आता है, ठीक है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा फ्लैकी बहुत ज्यादा ड्राई रहती है तो हनी जादू कर सकता है आपके चेहरे के ऊपर। आधा चम्मच आपको इसमें शहद की ऐड कर देनी है और यहाँ पे आधा चम्मच तकरीबन हमको लेनी है ग्लिसरीन, जो कि हमारे चेहरे पे एक ह्यूमिक टिंट का काम करती है, साथ ही साथ रिंकल्स फाइन लाइंस के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, चेहरे की चमक को बरकरार रहती है रखती है गाइस। और अगर आप अपने चेहरे पे ग्लो की कमी महसूस कर रहे हैं तो ये आपके खोए हुए ग्लो को वापस लेकर आती है। आधा चम्मच हमने इसमें ग्लिसरीन की ऐड कर दी है और तकरीबन दो चम्मच हम इसमें डालेंगे राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। घर में जो भी चावल है आप उनको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, ग्राइंडर में डालकर उसका पाउडर बना लीजिए और यही चावल का आटा हमें इस्तेमाल करना है इसने अपने इस अपलिफ्टिंग मास्क में, ठीक है। चावल का आटा एंटी एजिंग प्रॉपर्टी से भरपूर होता है गाइस, स्किन को इंस्टेंटली टाइट करता है, फर्म करता है और हमारी स्किन लूज जो हो चुकी होती है उसको एकदम से फर्म कर देता है, ठीक है। चावल के अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं जो कि सालों साल तक हमारे चेहरे को जमा बना के रखती है। अगर आपको ढीली लटकी स्किन की प्रॉब्लम है या फिर आप अपने चेहरे पे बहुत दिनों से रिंकल्स देख रही हैं, आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा फाइन लाइंस दिख रही हैं और आपकी उम्र आपको नजर आने लगी है आपके चेहरे पे, तो आप चावल के आटे का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो एक से दो चम्मच आपको इसमें चावल का आटा डाल देना है गाइस और सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इस मास्क को जब आप मिक्स करोगी तो ये बहुत ज्यादा थिक होगा, तो इनको जब आप मिक्स करोगी तो आप देखोगी कि ये बहुत ही थिक बहुत ही फ्लफी सा हमारा पेस्ट बन जाएगा, इस तरह का मास्क हमारा बनकर तैयार हो जाएगा, हमारी स्किन को टाइट करेगा, हमारी स्किन को फर्म करेगा और हमारे चेहरे पे एक जादू जैसा असर लेकर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा मास्क बन गया है, अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कीजिए, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए और इस तरह का कोई भी कंटेनर है ग्लास का प्लास्टिक का आप उसमें इसे स्टोर करके रख सकती हैं। जी हाँ, ये मास्क आपके चेहरे पे मैजिकल साबित होने वाला है। चलिए अब इसको लगाना भी आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपको इसको लगाना है। इस मास्क की एप्लीकेशन करने से पहले आपके चेहरे पे कोई भी क्रीम कोई भी फाउंडेशन लोशन सिरम कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए, जस्ट आपको अपने चेहरे को वॉश करना है। वॉश करने के लिए आप मेरा DIY उपटन फेस मास्क यूज कर सकते हैं जो कि फेयरनेस के लिए बहुत अच्छा है और जिसको जिसने यूज किया है गाइस गजब के रिजल्ट आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर देख सकते हो, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चेहरा आपको धो लेना है अच्छी तरह से, चेहरे के ऊपर कोई भी क्रीम मेकअप नहीं होना चाहिए और इस मास्क को लेकर आपको अपने चेहरे पे लगाना है। क्या मास्क आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना है यानी ऊपर की तरफ आपको अपनी स्किन के ऊपर लगाना है और अगर आपके नेक के ऊपर भी झुर्रियां हैं तो आप इस मास्क को अपने नेक पे भी यानी गर्दन के ऊपर भी लगा सकती हो, ठीक है। अब जब आपने ये मास्क लगा लिया तो इसको आपको कितनी देर के लिए छोड़ना है, तकरीबन 25 से 30 मिनट इस मास्क को आपको लगाकर छोड़ना है गाइस। और 25 से 30 मिनट बाद जब आप देखोगी तो ये मास्क आपकी स्किन के ऊपर एकदम चिपक चुका होगा, जब आप इसको टच करोगी तो चिपचिपापन सा आपको लग रहा होगा और ऐसा लग रहा होगा आपकी स्किन ना एकदम स्टक कर गई है, बहुत ज्यादा चिपचिपी हो रखी है और आपकी स्किन एकदम से आपको खिंची खिंची सी महसूस होगी। अब हमें इस मास्क को हटाना है, बस डायरेक्टली हम इसको वॉश नहीं करेंगे, ठीक है। हम इस मास्क को हटाने के लिए गीला कॉटन का टॉवेल या कपड़ा लेंगे और इसको धीरे धीरे आप अपने चेहरे से हटाइए, ठीक है, क्योंकि हम इसको ना एकदम से अगर धोकर हटाएंगे तो ये हमारे स्किन के ऊपर रैशेज आ सकते हैं इससे, क्योंकि इसमें राइस फ्लोर हमने ऐड किया है। तो धीरे धीरे से आप चेहरे पे अपने गीले कपड़े से इस मास्क को हटाती जाइए गाइस और जब आप इस मास्क को हटाओगी तो इंस्टेंटली फील होगा कि आपकी स्किन जो है अपलिफ्ट हुई है, आपकी स्किन टाइट आपको लगेगी, आपकी स्किन के ऊपर एक टाइटनिंग वाले इफेक्ट आपको नजर आएंगे इंस्टेंटली, ठीक है। यकीन नहीं आता है जब इस मास्क को लगाना तो मुझे आके कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे मास्क को अच्छी तरह से जब हम क्लीन कर लेंगे गाइस
तब हमें क्या करना है, ठंडा पानी लेना है और छींटे मारते हुए यानी स्प्लैश करते हुए इस मास्क को अपने चेहरे से हटा लेना है। ये मास्क जब आप वॉश करके आओगी, अपने चेहरे को देखोगी तो इंस्टेंटली आपकी स्किन को इसने बहुत ज़्यादा टाइट और बहुत ज़्यादा यंग कर दिया होगा। ऐसा लगेगा कि एक दो साल पीछे आपकी स्किन यानी रिवर्स हो गई, आपके चेहरे की एज जो है वो बैक हो गई है। फाइन लाइंस भी काफ़ी हद तक आपको कम नजर आएंगी गाइज। और ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल मैजिक हो जाएगा, जब कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करोगी तो ये आपके चेहरे पे बहुत खूबसूरत ग्लो, बहुत खूबसूरत निखार और आपके चेहरे पे एक जवां निखार लेकर आएगा। आपकी स्किन को अपलिफ्ट और टाइट करने वाला है और आपकी एज को यानी जो साइंस ऑफ एजिंग आपके चेहरे पे दिख रही है उसको ये खत्म करने वाला है। ठीक है, अब एक छोटा सा काम हमें यहाँ पे और करना है। जब आपने इस मास्क को हटा लिया तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लीजिए और उससे अपने चेहरे पे मसाज कीजिए, या फिर कोई एंटी एजिंग ऑयल आप यूज करती हैं उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, एंटी एजिंग क्रीम लगा रही हैं उसका भी इस्तेमाल आप कर सकती हैं। थोड़ा सा लीजिए और अपने पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से अपलिफ्ट करके मसाज कीजिए, हल्के हाथों से मसाज करना है। देन इसको आपको अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना है यानी जज्ब करना है और अपने चेहरे को यूं ही आपको छोड़ देना है। ये मास्क एप्लीकेशन कब आप करोगी, ये मास्क अगर आप नाइट में लगाती हो तो उस वक्त ये बेस्ट टाइम है कि इस मास्क को आप लगाओ। नाइट में इस मास्क का बेस्ट टाइम है लगाने का। अगर आप दिन में लगा रही हो और बाहर जा रही हो तो इस मास्क को लगाने के बाद आप सनस्क्रीन जरूर लगाओगी। ये मास्क आपको कितने दिन लगाना है, ये मास्क आप जो है ये मास्क आप हफ्ते में 3 बार लगाइए यानी अल्टरनेट डेज एक दिन छोड़कर लगा सकती हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ढीली है, बहुत ज्यादा सैग है तो आप इसकी एप्लीकेशन डेली भी कर सकती हैं। ये आपका कम से कम 3 से 4 दिन चल जाएगा, जब खत्म हो जाए तो आप दूसरा बनाकर रख लेना और गजब की रिजल्ट है गाइज। इसका फायदा जरूर उठाइए आप सभी लोग, ये आपकी स्किन को मैजिकल रिजल्ट देता है और स्किन की टाइटनिंग के लिए तो बेस्ट मास्क है। तो कितना खर्च हुआ जरा बताना मुझे, 10 रुपए खर्च किए हैं क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ कॉफी बाहर से ली है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद है डेफिनेटली, आई एम डैम श्योर कि आपके पास सारी चीजें घर में रखी होंगी। तो आप सभी लोग इसको जरूर जरूर बनाइए, जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, यहाँ तक आप वीडियो देख चुकी हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही खूबसूरत रेमेडी आप सभी के लिए मैं लेकर आती हूँ। और आशा करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को जरूर सेव करके रख लिया होगा, क्योंकि इस मास्क को आपको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है और भाई इसके रिजल्ट भी शेयर करने हैं। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जैसे ही मुझे टाइम होगा मैं आपको रिप्लाई दूंगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा अच्छे से ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए और किसी स्पेशल वीडियो की अगर आपकी डिमांड है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो लेकर आऊंगी। टेक केयर, बाय।